नमस्कार अमन मनचंदा, क्या हालचाल, कैसे हैं, हाल है कहाँ सर रहते जी? हैं? बस मैं दिल्ली में रहता हूँ, शालीमार बाग। जी बताइए, क्यों जुड़े हैं हमारे साथ? मेरा एज है 44 ईयर्स, और मेरे को 3 महीने पहले पता चला कि मेरे को डायबिटीज है। कैसे पता चला? मेरे को हर्पीस हो गया था। अच्छा। हर्पीस हो गई तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें KFT NFT सब नॉर्मल था, पर शुगर बढ़ा हुआ था 427 रैंडम। तो उन्होंने कहा कि आप दिखाइए डॉक्टर को। तो फिर मैंने अपने साथ में, हमारे लैब है शॉप के साथ में हमारे, तो मैंने उनसे 3 महीने का करवाया एचबी उनसे, तो वो आया 13.1। फिर उसके बाद जैसे ये लोग वीडियो सर्च मारते हैं, मैंने जो आपका सर्च मारा, लेकिन उससे नेक्स्ट डे मंडे हमारा ऑफ होता है, तो मैं डॉक्टर के पास गया जो हमारे वहीं पे है, तो उन्होंने मेरे को मेटफॉर्मिन 500 mg सुबह और शाम कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने मेरे को एक क्या कहते थे, चार्ट दे दिया, उसमें वो लिखा खाने के लिए जो आप मना करते हैं, दलिया, उपमा, पोहा, खिचड़ी, ब्राउन ब्रेड, आटा मैगी और मैरीगोल्ड बिस्किट, मनेगो बिस्किट, ये सब कर दिया। लेकिन मेरे को डाउट हो, मैंने कहा ये सब चीज़ मैं पहले भी खाता था, अगर इससे मैं अगर बीमार इसी से पड़ा हूँ ना मैं, और फिर डॉक्टर मुझे लिख के दे रहा है। फिर मैंने आपके वीडियो देखता गया देखता गया, एक हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर ने दोबारा बुलाया। मैंने आपकी एक मैंने एक भी दिन उनकी बात फॉलो नहीं करी, सिर्फ दवाई दी, एक भी सिंगल डे सारे आपकी जो जैसे आप बताते थे वैसे ही करता गया मैं। अब एक हफ्ते बाद उन्होंने रैंडम टेस्ट किए, जैसे ही मैं गया उन्होंने ब्लड टेस्ट किया मेरा, आप फिर करेंगे तो फर्स्ट टाइम तो चेक किया था ना 164 था, और जब सेकंड टाइम मैं गया उनके पास 114 था रैंडम। तो वो मुझको बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे कंट्रोल कर दिया आपने। तो मैंने फिर बताया कि मैं ऐसे ऐसे पूरा खुलके नहीं बताया ना, फिर उन्होंने, मैंने कहा डॉक्टर है वो, उन्हीं से थोड़ा सा सलाह ले रहा हूँ, क्या ठीक है आप 500 mg क्या कहते हैं कम कर दो एक दो दिन। मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मुझे 20 दिन बाद फिर बुलाया कि आप 20 दिन बाद आइए, लेकिन इस वीक मैं आपके वीडियो देख रहा था तो मैंने वो गोली भी बंद कर दी, क्योंकि आपने कहा था कि झूठ नहीं है, ये मैंने शायद हो सकता है गलती करी हो उस टाइम के हिसाब से, लेकिन क्योंकि डॉक्टर से पूछ के ही बंद करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं खाई। और फिर मैं 20 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मेरा फिर टेस्ट किया, तो मेरा ब्लड टेस्ट आया 94 रैंडम। तो मैंने अब तक आपके, मेरे ख्याल से 800 से मेरे को वीडियो है, मुझे याद नहीं है कि मुझे कौन सा वीडियो मैंने आपका नहीं देखा। और मैंने अभी 3 महीने पहले, मेरे को कल 3 महीने हुए हैं पूरे, मैंने अपनी लैब से HbA1c कराया, आप मानिए कितना है, 6.3, 6.3, बहुत बढ़िया। 13.2 से लेके 6.3, और 30.2 वाली रिपोर्ट में, 2 वाली रिपोर्ट तो अभी मेरे पास पड़ी है, 6.3 वाली मेरे फोन में है, एक क्योंकि बार मैं घर दिखा पे नहीं दीजिए, गया अगर कल आप रात। दिखा सकते तो दिखा दीजिए। ये बिल्कुल नहीं, नहीं 6.3 वाली कल मैंने आपसे झूठा था, फिर वो मेरे को थोड़ा सेटिंग हुआ नहीं मेरे से, जी, ये देख सकते हैं आप, ये 13.1 कैमरा के नजदीक ले आइए, कैमरा के नजदीक, और थोड़ा ऊपर करिए, हाँ, और थोड़ा अपना फेस के सामने, हाँ, देख लेकिन सर एक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देख लो, जी। 13.3 कहाँ पे है? 13.3 बताया ना, 13.1 मैंने 13.1 था, कहाँ पे है दिखाइए 6.3 वो। ये देखो, ये हाँ, ये ऊपर करिए, थोड़ा सा देख, ऊपर करिए, नहीं दिख रहा है अभी है मेरे को, ऊपर करिए थोड़ा ये सा, देख, ये देख, हाँ, थोड़ा नजदीक लाइए, नजदीक लाइए, पॉइंट भी, हाँ, लेके आइए और नजदीक लाइए। जी, 13.1 देख लीजिए, 13.1, बहुत बढ़िया। और अभी कितना बताया आपने? हाँ, और अब मैंने कल परसों टेस्ट कराया था 6.3, जी, तो ये आप मैंने डॉक्टर कैसे के पास करा, गए? ये मैंने सिर्फ उसके बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि मैंने फाइल उसकी MG बंद कर, क्योंकि डॉक्टर के पास कैसे जाता, उसने तो वही सब लिखा है जो मैं पहले भी खाता था और जो खाके मैं बीमार हो गया, क्योंकि मेरा शेड्यूल यही था कि मेरे का रास्ते में पोहा, पास्ता, ब्राउन ब्रेड,
और आपका क्या कहते हैं, रात को फिर एक्चुअली शॉप पे मैं वर्क करता हूँ तो मैं लेट पहुंचता हूँ, तो खा के सो जाना, एक्सरसाइज सुबह है नहीं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जीरो। आज की डेट में आप बिलीव करेंगे डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन एक पोर्शन साइज में आपसे सीखा है मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपके सामने, वीडियो बोल रहा हूँ कि जो कहते हैं ना कि लाइफ खत्म हो जाती है डायबिटीज से। और मेरे को भी ऐसा लगा था जब मेरे को शुरू में पता चला, जब मेरे को ये रिपोर्ट मिला, मैंने कहा अब मेरी उम्र क्या 45 साल ही है, मैंने कहा लाइफ खत्म हो गया मेरा, मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता चला कि आप पोर्शन में कुछ भी, अरे हम एक रसगुल्ला अगर 15 दिन में खा लेंगे, 2 दिन में खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर हम मैं रोज वही दो चार खाऊंगा तो फिर मुझे बीमार हो जाऊंगा मैं, तो समझ में आ गया मेरे बात को। जी यही है, मैं कल भी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था, वो चांस की बात है, मेरे से वो सेटिंग नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से जुड़ूंगा जरूर। मैं आपको जी स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ कि 13.6.3 जी और वो भी मैंने बिना दवाई रैंडम देखे, पे नो बिल्कुल मेडिसिन, बिना, मैंने सिर्फ एक हफ्ता वो बताया था आपको, मेटफॉर्मिन लिया एक हफ्ता, मैं डॉक्टर के पास गया 141, उसने अपने आप ब्लेस कर दी कि एक आप कम कर दो। अब उसने को तो ये लगा ना कि जो उन्होंने चार्ट पकड़ाया था मेरे को कि मैं वही सब खा रहा हूँ। मेरा बीपी था उस टाइम 190 बीपी, ब्लड प्रेशर 190 एंड 120, ठीक है जी। उन्होंने मेरा फिर ईसीजी वगैरह करा कि शायद आंख में कोई, ठीक था ईसीजी भी ठीक था। आज की डेट में मेरा बीपी 122/88, जब मर्जी ना पियो आप, वो भी बिना दवाई के। उतनी दवाई नहीं देता मैं, दवाई दी थी उन्होंने बीपी की, मैंने 4-5 दिन खाया, फिर जब डाइट फॉलो करते रहा धीरे धीरे धीरे, फिर मैं एक्सरसाइज करने लगा, डाइट भी बता दीजिए कौन सा डाइट आप फॉलो। डाइट ओनली और कोई डाइट फॉलो, मैंने सबका देखा वीडियो, ऐसा नहीं कि वीडियो कौन किसी का नहीं देखता, फर्स्ट टाइम जाता है सबका तब देखता है, लेकिन मैंने सिर्फ, मुझे जो फेल हुआ विश्वास हुआ सिर्फ आपके हुआ, पता नहीं क्यों। कोई कहता है कि 12 बजे तक फल खा लो, अरे 2.5 किलो फल खा के आप शुगर कैसे घटा सकते हो, और कोई कह रहा है कि 1 प्लेट सलाद खा लो उसके बाद अपने जो खाना है खा लो, अरे जो खाना है खा लो, जो खाना है खा लो, तो पहले भी वही मैं खाता था जो खाना था, जी अब ये देखो ना। लेकिन मैंने आपको फॉलो किया और देखिए आप, मैं आपका यानी ये कहता हूँ आप बाहर से करना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे पता है मैं आज मेटफॉर्मिन के अलावा पता नहीं कौन सी खा रहा होता, मुझे नहीं पता है, क्योंकि जी जो चार्ट उन्होंने दिया था उसके हिसाब से तो आप कुछ बताइए कैसे पॉसिबल है कि आप फैट कम ले आते हैं। अभी देखो लेकिन 13.6 में पूरी जनता हो, तो वही खा रही है ना, वही पास्ता और वही पोहा, वही दलिया उपमा, वही तो खा रहे जो हम मना यही करते चीज हैं। उन्होंने मेरे को बोला मैरीगोल्ड और क्या कहते हैं आपका, जो उन्होंने मना करा वो मैं खा रहा हूँ, मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दिया, काजू नहीं खाना, तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सोया कम खाना, और मैं काजू भी खाता हूँ और सब कुछ खाता हूँ। मैं आज भी अभी पीपी करता हूँ, मैंने अभी थोड़े दिन में किया, मेरी एक रूटीन है कि मैं एक या दो टाइम अपना शुगर अभी भी चेक करता हूँ, तो मेरा जी खाने के बाद जब भी आता है तो 102, 103, कई बार तो 98 भी आ जाता है, मैं उससे ऊपर नहीं जाता। मैंने, आप बिलीव करिए, मैं हर वो चीज खाता हूँ जो तो खाना चाहिए, जो डाइट के अनुसार है, 26% कार्बोहाइड और जी प्रोटीन, प्रोटीन मेरा इस टाइम 64 है, तो मैं 100 ग्राम के आसपास अपना प्रोटीन पूरा कर लेता हूँ कैसे ना कैसे, क्योंकि तो मैंने अपनी जो, आप मानेंगे मैंने 3 महीने हो गया आज, मैंने 3 महीने से कोई प्रोसेस फूड नहीं खाया, कोई बाहर का फूड नहीं खाया, कोई समोसा टिक्की बर्गर गोलगप्पा और ये जो नमकीन ये कुछ नहीं खाता, कुछ भी नहीं। क्यों, हेल्थ है तो हेल्थ है ना भैया, हेल्थ अगर हमारी ठीक है तो आगे कभी नहीं खा लेंगे, अगर थोड़ा बहुत खाने में तो क्या दिक्कत है। अगर आज मेरा जन्माष्टमी है, घर वाइफ ने बोला कि प्रसाद है, ठीक है ठाकुर जी का प्रसाद है, सुबह नाश्ता कर रहे थे, मैं पता है कि इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें फैट उसका खा दिया, अगर 2-4% बढ़ भी जाएगा, नहीं बढ़ा लेकिन ये तो बढ़ा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कैसा फील हो रहा है अभी आपको, आप आगे सर फिलहाल आपको बहुत अच्छा डायबिटीज आसन है, का। हाँ मुझे पता है, मैं आपको स्पेशल थैंक्स करने के लिए, मैं मुझे पता चला कौन मेरा नंबर नहीं आया, नंबर क्या कुछ नहीं बताया था मैंने आपको, आज मैंने फेसबुक पे देखा कि आप लाइव आ रहे हैं, जी मैं भाई ये कमाल हो गया ये तो, मैंने कहा मैं जरूर जुड़ूंगा उनसे, आज मैं उनको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप जो जो बताते हैं मैं कंफर्म लिख के देना तैयार हूँ, कोई नहीं बताता, जी जी जो आप शेयर कर रहे हैं अपनी चीजें नहीं शेयर करता कोई भी, कोई कैसा है कोई भी फॉलो करता है, तो आप आ जाओ मेरे पास, फिर उसके बाद होगा सब कुछ, पहले आओ मेरे पास, फिर उनका जो फीस है एक्स वाई जेड जो भी है, आपने 900 वीडियो में
सब कुछ अपना शेयर कर दिया, आपने अपना जैसे कहते हैं दिल खोल के बाहर रख दिया है कि अब आप देखो अगर हम आपसे नहीं होता फिर मेरे पास आओ। आपने कभी किसी को नहीं कहा कि पहले मेरे पास आओ, अगर आपने मैं आपसे सीख के मुझे कैलकुलेशन आ गई, मैंने अभी वो तोलने वाली मशीन लिया है, मुझे पता है कि अगर एग्जाम्पल मुझे कभी दाल खाने का मुझे 35 ग्राम दाल की पता, अगर हम दाम मिल जाएगा तो उसमें अगर 50 ग्राम सोयाबीन की बड़ी मजबूत दाल 30 ग्राम दाम मिलेगा अंदर एड के लिए, मैं आपको क्या कहते हैं बादाम दे देता हूँ 25 ग्राम। ये देखो ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया, मैं सोयाबीन 100 ग्राम सोयाबीन पूरे दिन मैं खाता हूँ आटे के रूप में, चाहे चंक्स के रूप में 50 ग्राम प्रोटीन मुझे यहाँ से मिल जाता है, 150 ग्राम पनीर खाता हूँ 30 ग्राम मुझे वहाँ से मिल जाता है, और आपका वो जो शाम के टाइम में वही 30 ग्राम मूंगफली और 20 ग्राम चना ये मेरा रूटीन था जी। फिर मैं और दो गोल्डन रूल मैंने आपको फॉलो करे हैं कि 3 बार खाना है चौथी बार नहीं खाना, मैं 1.5 महीने मुझे बिल्डिंग देखी थी और 1.5 महीने में 4-5 बार खाता था, लेकिन जब से मैंने वीडियो देखी है 3 बार खाता हूँ मैं चौथी बार नहीं खाता, उससे बहुत फायदा हुआ मेरे को। और दूसरा आपका गोल्डन रूल ये है कि आपने कहा था कि जहर अगर आप थोड़े अमाउंट में लेते हैं तो वो भी दवाई का काम करता है, और दवाई भी आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो वो जहर का काम करता है, मैंने इस बात को पकड़ लिया जी। अगर मैं इस रसगुल्ला खाऊंगा या और एक गोलगप्पा खाऊंगा अपनी जीभ को कंट्रोल करने के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अब मैं टिक्की भी आ रहा है पिज्जा भी आ रहा है दो समोसा भी आ रहा है तो भैया वो मुझे कल नुकसान करा था ना, मुझे वो फिर आज फिर करेगा ना जी। अगर आप डायबिटीज आज रिवर्सल हो जाती है फिर वही ड्रामा करना शुरू कर दूंगा तो मेरी तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं अभी इतनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से खा रहा हूँ, और मैं चीज बस यही है कि आपकी सिखाई हुई बात पे पोर्शनिंग जी पोर्शन मैं घी नहीं खाता था, मैं घी खाता हूँ एवोकाडो भी खाता हूँ सब खाता हूँ, सब अलग अलग बना बना के खाता हूँ, अपनी रेसिपी खुद क्या करी आपसे सीख के, मैंने जो कुछ सीखा आपसे सीखा उससे मुझे काफी फर्क है, मैं स्पेशल थैंक्स दोबारा बोलना चाहता हूँ आप जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने मेरे कितने वीडियोस देखे, मैंने आपके मुझे आइडिया है आपको एक वीडियो बता दो जो मैंने आपकी नहीं देखी हुई, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब पे आपकी कोई वीडियो क्लिक करता हूँ आज भी 3 महीने बाद भी तो वो एक्चुअली मेरे में ना आया था ऑप्शन कि आपने देखी हुई, मैं फिर उसको फिर दोबारा देखता हूँ, मैं एक वीडियो को शायद 10-10 बार देखता हूँ और हर बार कुछ नया नजर आता है, हर बार कुछ नया नया आता है, फिर बोलोगे तो हाँ ये बात तो छूट गया था ये बात तो छूट गया था, तो देख 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 के बहुत फायदा हुआ, ऐसी बात नहीं बहुत मेहनत की आपने। और मैं आपको बता दूं आप मेहनत मेहनत आपकी वजह से, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ आपकी वजह से मैं मेटकोबिन या पता नहीं कौन सी और भी है और भी डाइट फॉलो करते हैं, अभी मैंने एक का देखा एड देखा आप देखो 9.7 से 7.4 ले आए हम, इतना बड़ा मेडिसिन उतना बड़ा ऐड दे रहे हैं इसके अंदर फेसबुक के अंदर, और मैं उनको ऐड देता मैं 13.1 से 6.3 ले आया जी। डाइट डॉट डाइट सोच समझिए अब देखो कई नाम है मैं नाम नहीं लेना चाहता इनके अंदर भी फायदा नहीं है उस चीज का भी, कई डाइट ऐसी है जो बास खाओ जी अब उससे फिर ये होगा वो होगा विकसित डाइट है वो अपना ही पैरानीटा खा लो सलाद खा लो फिर जो आपने खाना अरे जो आपने खाना है वो खाओगे तो कैसे ठीक होगा। हाँ सबसे बड़ी बात है लाइव आपका ही लाइव आता किसी का लाइव नहीं आता जी इतनी बात है, तो क्या कर रहे हैं तो हमें क्या पता है, लेकिन हमने तो आपकी डाइट को माया फॉलो किया हमें फायदा हुआ हमें दिख रहा है ना जी। पहली बार आप मेरे से बात कर रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं और ये लाइव चल रहा है, कोई कट नहीं बिल्कुल बिल्कुल है ना। और आप ये भी बता दीजिए यूट्यूब पे भी आएगा बाद में, ये भी बता दीजिए कि आपने कोई फीस दिया कोई कंसल्टेशन लिया या सिर्फ वीडियोस देख के किया। मैंने आपसे कोई कंसल्ट नहीं लिया कोई आपका प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा, प्रोग्राम ज्वाइन करने की तो खैर मैं जॉब करता हूँ तो बड़ा पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, वो तो बड़ी समस्या है मेरे साथ जो है सो है, तो देखो मैं खुल के बोल रहा हूँ यूट्यूब पर चाहे फेसबुक हो वो तो मैं नहीं कर रहा, कंसेशन की कंसर्न की बात ये है कि जो भी जरूर करूँगा टाइम आने के ऊपर, लेकिन नहीं मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो लोग भी अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियोस देख के कर सकता है। मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने सबके सामने एक खुल्लम खुल्ला ये कह रहा हूँ कि मेरी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, मेरी कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर ऐसा कोई सारे आपने नहीं बोलेगा,
ऐसा कोई अरे व्यक्ति नहीं आपने होता जो कि नो वो तो जो आपने सर जो आपने वीडियो बनाए हैं 900,000 वीडियो हैं, वो आपकी कोचिंग जी 12th है क्या? वो जी भी उन क्या सब में आपने, मैं मैं कह रहा एक्स्ट्रा हूं नहीं सिखाता हूँ, लेकिन हाँ जिसको टाइम नहीं है, जिसको 900 वीडियोस देखने की समय नहीं है, जिसको खुद देख के समझने की क्षमता नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनके टाइम सेव करते हैं और वही हमारे साथ कोचिंग में जुड़ते हैं। सिंपल बात हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने अपना दिल खोल के YouTube पे दे दिया। आप एक भी वीडियो ऐसा बता दो, डॉक्टर बता दो कि ऐसा करो ऐसा हो जाएगा ऐसा करो, वो तो सिर्फ यही बोलते हैं ना कि मेरे पास आओ फिर बताऊंगा मैं, पहले मेरे पास आओ फिर बताऊंगा मैं क्या करना है, पहले मेरी फीस दो फिर बताऊंगा कैसे करना है। अरे पहले बताओ कैसे करना है, तो सिर्फ एक ही बताते हैं डाइट पे डाइट, वो भी आप। जी प्रभु ने मेरे से आपको मिला दिया, नहीं तो मैं पक्की बात थी पता नहीं मैं गोलियां तो खा ही जाता, मेरा अड़ोस पड़ोस में जो भी सब है क्यों गोली खा रहे, समोसा खा लो, क्यों खा लो भैया समोसा, सारी लाइफ पड़ी है, अभी डॉक्टर के पास जाने से बढ़िया वो खाते हैं सामने, कुछ समोसा भी खा रहे होते हैं, जलेबियां भी खा रहे होते हैं, मैं नहीं खाने, मेरा बॉस बोलता है तू बेवकूफ है, क्यों बेवकूफ है, तू ये गोली छोड़ दी। मैंने कहा क्यों बेवकूफ है, मैंने कहा छोड़ दी, मेरा तो कंट्रोल में आ गया, जब मेरा पीपी सिस्टम 108 105 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, जी देखो 1.5 महीना से मेरे को समझने में लग गया कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कि मेरा उस टाइम भी 140 150 से ऊपर नहीं जाता था, फिर मैंने टेस्ट जी करना शुरू करा कि किस खाने से मेरा क्या जाता है, मैं मुंह भी लिखाऊंगा तो क्या होगा, अब लोग कहेंगे ये बिल्कुल छठे बार टेस्ट करता है, घर में सब बोलते थे पागल है ये छठे बार टेस्ट करता है, अरे मुझे पता चले मैं जो खा रहा हूँ मैं क्या हो रहा है मेरे शरीर में, तो मुझे पता नहीं चलना चाहिए, अब जी मेरा डाइट, अब मैं सिर्फ दिन में एक बार टेस्ट करता हूँ, जिस दिन मैं हैवी खाना खाता हूँ, जिस दिन दोपहर का लंच मेरा हैवी होता है उस टाइम मैं चेक करता हूँ अपना पीपी प्रोटीन में, वो भी 100 मैंने चेक करा 103 था, और आप जो डाइट बनाते हैं जो समझाते हैं कुछ हिसाब से क्या वो भी लगता है, जी तो आपका बहुत सुबह यानी कि जब भूख लगे जब खाओ, मजा आ गया ये बात जी जी कि जब भूख लगे जब खाओ, कि ऐसे सोचने का जिन नहीं है कभी भी सोचते भी बैठ जाओ, अब रात को मैं शॉप से लेट जाता हूँ 10-11 बजे तो ऑप्शन नहीं होता कि कुछ खा पाए, क्या करता हूँ शॉप पे ले आता हूँ 30-40 ग्राम मूंगफली ले आता हूँ, 20-30 ग्राम चना ले आता हूँ, 20-30 ग्राम वॉलट ले आता हूँ, खा ले तो अच्छा 300-400 कैलोरी मिल जाता है फर्स्ट क्लास, जी क्या जी रोकता है जी रात को खाने का, जी अमन जी ये बहुत बढ़िया, कुछ बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे आपसे मिलकर और आपका स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं, अभी जी जो जी कुछ पूछा मैंने आपने वो बताया, अब आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें तो आप कुछ गोल्डन रूल जैसे मैंने आपको बोलो कि आप कुछ बताना चाहें तो आप अपनी बढ़िया। बता अच्छा सकते, एक चीज जो आपके मुंह से मैंने नहीं सुना वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं का करता हूँ बताइए। सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं करता हूँ सुबह रोज आधा घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ मैं, मेरे में शुरू में आया तो हिम्मत नहीं था, अगर आप कहो तो मैं ये शुरू कर दिया है मैंने, जी ऐसी बात नहीं है बट करता हूँ आधा घंटा, जी मैंने रूटीन भी करना शुरू कर दिया है, ऐसा हो गया था हाँ अब ऐसा हो गया, मैंने खुद स्ट्रेंथ घर ट्रेनिंग पे डंबल करिए, उठाया, डायफिट डाइट को फॉलो करते रहिए और ये यूट्यूब पे ये भी बाद सर में लाइफ आएगा, जो लॉन्ग लोग है आपको हजारों लाखों लोग सुनेंगे बाद में, तो जो लोग आपको मैं सुनेंगे आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सीधा आओ, अगर आप सारे वीडियो देखो करके, अगर आप कुछ कर सकते हैं ये सब कर रहे हैं, कोई मैं अनोखा कुछ मैंने नहीं किया है, सब कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पर्सनल डॉक्टर साहब से बात कीजिए मिलिए, अगर फिर उसके बाद उनसे, अब मैंने देखा है अफोर्ड तो कर रहे, फोन तो कर रहे हैं कैलिफोर्निया से आपको ऑस्ट्रेलिया से, और यूज कर रहे हैं वो जनता दरबार, मुझे थोड़ी फ्री होता है, आप इतना मेहनत करते हैं सब कुछ, हम लोग को देखो मजबूर है, हम लोग आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा, देखो मैं यूट्यूब पे भी आऊंगा फेसबुक पे भी, मेरे फेसबुक पे सब जानते हैं मेरे को, यूट्यूब पे भी आप उतना नहीं कर पाते, हम लोग थोड़ा सा मिडिल क्लास से भी मिडल रेंज वाली जॉब एक तरह का, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, तेल की फैक्ट्री है अगरबत्ती की, तेल की वो पता नहीं क्यों 2-4 हजार 50 हजार के हम सोचते हैं, अब हम लोग इतना कमाते हैं हिसाब से तो हमें देखो घर का भी रेंट देना पड़ता है, बच्चे भी पढ़ाने पड़ते हैं, सब चीज करनी पड़ती है, तो हम लोग थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ता है, अगर हम कुछ कुछ कर जाए तो कर जाए, तो मुझे सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही है कि बस 6.3 मिला है,
जी, और आठ ही इसके बदौलत नीचे भी मैंने ले ये आएंगे, सब बहुत जल्दी आप मेहनत करिए, आप 6 के नीचे भी ले आएंगे, अरे आप हाँ ये भी लाएंगे तो भी इतना ठीक है, कोई नहीं बड़ी नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मैं ठीक है। वही कह रहा हूँ, जब अब मुझे सारी लाइफ ऐसे ही चल रहा है, यानी कि मुझे खाना पता चल गया मुझे क्या खाना है, जी, कॉन्सेप्ट बस समझ अब में आ मुझे गया, डाइट फिट डाइट का कॉन्सेप्ट खत्म कॉन्सेप्ट हो समझ गया, में आ गया, आप हर चीज खा सकते हैं, क्वांटिफाई बिल्कुल करके खा खा सकते सकते हैं। और हैं, मैं खा 25% हाँ के नीचे कार्बोहाइड्रेट रखना है, बिल्कुल 1.5 से बिल्कुल लेके बिल्कुल 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेना, जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो हेल्दी फैट से वो लेना। हेल्दी फैट डाइट फिट डाइट एकमात्र डाइट ऐसा है जो हर डॉक्टर जो आपको मना करते हैं खाने के लिए, डाइट फिट बिल्कुल डाइट में बिल्कुल। वही चीज बोलते हैं खाने के लिए। मैं वो चार्ट कल लाया था, आज लाया नहीं, चार्ट में चार्ट दिखाया था आपको कि उन्होंने क्या लिख के दिया था मेरे को, और उससे क्या मेरी 6 पर नहीं आता, वो मेरा 14 पे ही पहुंच जाता था मेरे ख्याल से, यानी बिल्कुल, कि दवाई अपना बढ़िया भी करके दिमाग खाना लगाना, चाहिए। दवाई बढ़ जाता, फिर मैं वैसे ही टेंशन में रहता, दवाई खाओ क्या करूँ क्या ना करूँ। हाँ तो ये अब मैंने फिर थोड़ा जब शुरू शुरू में जब आई था तो मेरे को थोड़ा सा ना ब्लाइंडनेस होता था, कम मुझे डाउट हो गया भाई कि वो तो नहीं गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गया प्रॉपर तरीके से, आंखों के यानी पूरी आंखों की चेकअप कराई, इतने बार आँख ठीक है आपकी, फिर मुझे अब ओवर थिंकिंग हो जाती है कई बार, फिर पैरों में दर्द रहता था, जलन होती थी, अब मुझे न्यूरोपैथी तो नहीं होगी, फिर मैंने उसका दिखाया ओ है ठीक है, फिर मुझे कितनी बार मैंने किया फिर दोबारा कराया सब, प्रभु की दया सब ठीक है, और फिर मैं आपको बोला करता रहा तो सब कुछ मैंने आपको खोल के बताई भी है। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि फिलहाल आपको डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटिक रेंज में आ गए, और बहुत जल्दी आप प्री डायबिटीज से भी निजात पा जाएंगे। सो थैंक यू सो बिल्कुल मच आप एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपने टाइम देने के लिए, स्पेशल थैंक यू, और आप एक भी बात मानिए, कल मैं आपसे नहीं जुड़ पाया था, आपने जो नाम भी लिया था इस तरह की मेरे को सेटिंग की समस्या आ रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था उससे ठीक जी जी है, जी आज आप एक बात समझ लीजिए, प्रभु ने आपसे मेरी बात करानी थी, तभी आपके माइंड में आया कि आज मैं फेसबुक में दरबार में, नहीं जी, तो आज मैं मुझे अपने लगता नहीं आप है आया कि हूँ, कहीं ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, कहीं पे नहीं अपने करा। आप ही आ गया। हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने व्हाट्सएप जिस पे हम नाम और जीमेल बेचे ना, देखा आज कोई नहीं है, बाद में देख तो आया वो आज नहीं है, अब देखो प्रभु ने आपसे जुड़वाना था, देखो उस दिन भी प्रभु ने आपसे मिलवाया और आज भी मिलवाया, तो और भी शख्स जोड़ सकते थे, लेकिन आप प्रभु का ये रूप है मेरे लिए, तो आप वही हैं, साक्षात वही आ रहे हैं, और आप थैंक जो यू काम कर रहे हैं इसके लिए मुझे पता नहीं कि पैसा आपको मिले ना मिले, लेकिन जो विशेष जो अंदर से दुआएं हैं ना पैसे से बहुत ज्यादा काम, जी, बिल्कुल ये सही प्रभु बात मैं बोला है, मैं आपको पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, पैशन के लिए, और हाँ एक मेरी मिशन है उसके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, पैसे के लिए काम थैंक यू करते सो हैं, मच, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द ऑल द बेस्ट, बेस्ट। हेलो भैया।